See, for many Christians today, और आजकल बहुत सारे मसीह लोग, many things in the world are much more important and much more interesting than the things of God. और परमेश्वर की बातों से ज्यादा उनका लगाव संसार के अलग अलग भिन्न भिन्न बातों में लगी रहती है. I'm not saying we should not be occupied with our earthly responsibilities. मैं ये नहीं कह रहा कि संसारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हमें दूर भागना चाहिए. What does it mean? इसका मतलब when क्या, अर्थ it क्या says है? In Colossians 3. कोलोसियों की किताब तीसरे अध्याय में लिखा है. Colossians 3. कोलोसियों 3. If you are dead and risen with verse 1. If you are raised up, Colossians 3:1. If you are raised up with Christ, keep seeking the things above. हाँ, यहाँ पे लिखा है कि अगर जो आप मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. Set your mind, verse 2, on the things above and not on the things of earth. और दूसरे लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. For you have died. तो आप मर चुके हैं. And your life, verse 3, is hid with Christ in God. आप जो है प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन जिलाए गए हो. We don't want to be foolish or fanatic or stupid trying to understand these verses. और इस वचन से ध्यान रखें कि हम बेवकूफ या फिर कोई, you know, we not to say that everybody has to become a sannyasi or a hermit in the jungle. हाँ, हमें ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सबको सन्यासी बनना या जंगल में चले जाना है. No, we live on the earth. हम इस संसार में रहते हैं. You know, Paul, the greatest apostle. आप लोग पॉल को जानते होंगे जो कि सबसे बड़ा प्रेरित है. You know, he supported himself. आप जानते हैं कि उसने अपनी आवश्यकता खुद अपने स्वयं कामों से किया. He earned his living making tents. उसने अपनी आवश्यकता पूरी जो है तंबू बनाकर किया. There was a lot of need for tents in those days. और उस जमाने में जो है टेंट तंबुओं की बहुत जरूरत थी. Today it's like saying a man who builds houses, we'd say. आज के जमाने में कहें तो जैसे लोग अपना मकान बनाते हैं. He was making tents. वो जो है तंबू बनाता था. And he earned his living. और इस प्रकार से उसने अपनी जरूरतों को पूरा किया. That wherever he went. और जहां कहीं वो जाता था वो ऐसा काम करता था. So that he will not be a burden on the churches. ताकि वो कलीसिया के ऊपर बोझ ना बने. He was an apostle. वो एक प्रेरित था. He could have said, "Hey, I'm an apostle. You guys got to support me." हाँ, वो कह सकता था कि अरे मैं प्रेरित हूँ, तुम्हें मेरी जरूरतों को पूरा करना चाहिए. So he had to spend a lot of time making tents in order to earn his living. और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बहुत सारा समय तंबू बनाने में गुजारता था. So it's not that he was a sannyasi who didn't do about any earthly things and got other people to support him. और वो कोई सन्यासी की तरह नहीं कि वो कोई भी संसारी कार्य नहीं करेगा और बाकी लोगों का करके देगा. This is the man who's written here in Colossians. और कोलोसियों में उसी व्यक्ति ने यहाँ पे लेख लिखा है. Set your mind on things above. और वो कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ. और जो वस्तुएं धरती के हैं संसार के उसमें नहीं. बट यू से पॉल, बट यू वर सेटिंग योर माइंड ऑन थिंग्स ऑफ अर्थ व्हेन यू वर मेकिंग दोस टेंट्स एंड स्टिचिंग एंड अर्निंग मनी. तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि अरे पॉलोस, तुम भी तो पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाते थे क्योंकि तुम खुद जो है यहाँ पे तंबू बनाते थे. देन यू हैवंट अंडरस्टूड स्क्रिप्चर प्रॉपर्ली. सो इसलिए आपको ये वचन समझना जरूरी है. लेट मी यूज an illustration. यहाँ पे हम देखते हैं एक उदाहरण को. What does it mean to set our mind on things above while we are doing our earthly things? यहाँ पे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज लगाना और पृथ्वी पर की नहीं, इसका अर्थ क्या है? For example, you're a mother. जैसे कि आप समझ लीजिएगा, आप एक माँ हैं. You have to set your mind on your cooking when you're cooking food for your family. जब आप अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए. And on your children when you take care of them, little babies. और छोटे बच्चों का जब आप ध्यान देते हैं उनका सही से ध्यान देना. Or if you're a teacher or a nurse, you have to pay attention to your job in the hospital or school. अगर जो आप एक शिक्षक हैं या फिर नर्स हैं तो आपको अस्पताल में और स्कूल में आपको ध्यान देना पड़ेगा. Or you're working on computers, you got to have your mind attended there, otherwise you won't be able to do that. अगर जो आप कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं तो उसमें अपना ध्यान लगाना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे. That takes 8-9 hours a day of our time every day. और हर दिन वो हमारा 8-9 घंटे ले लेता है. What is the Lord saying? That you shouldn't think about those things? तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? So I'll explain this to you. तो मैं आपको समझाता हूँ. Think of a rubber band. एक रबर बैंड को आप देखिएगा. You've all seen rubber bands. आप सबने रबर बैंड देखा होगा, वो खींचता है. So supposing this is heaven and this is earth here. आप मान लीजिएगा ये स्वर्ग है और ये धरती है. So I set my mind on the things above means I tie the rubber band here. मैं अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाऊंगा. इसका मतलब ये कि जो रबर बैंड है उसका एक छोर जो है यहाँ पे लगाएंगे. I have to stretch it down to earthly things for 8-9 maybe 10 hours a day. और उसको मैं खींच के लंबा करूंगा कि 8-9 घंटे अपने संसारिक चीजों को पूरा करने. I have to do all these things. और इन सब बातों को पूरा करना. To be a faithful mother, a faithful worker in my office.
अगर जो आप एक वफादार माता है या ऑफिस में एक वफादार कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, but when my work is done, then what happens? जैसे आपका काम पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या करना है? Rubber band is released. उसके बाद उस रबर बैंड की जो छोर है, नीचे की जो छोर है, उसको छोड़ देना है. Goes up back to the things of heaven. और उसके बाद वो जो रबर बैंड है, वो वापस ऊपर चला जाता है. That is the meaning. इसका That means when I finish all my earthly responsibilities. इसका मतलब ये कि जब मैं धरती का सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता हूँ, Where does my mind go then? और उसके बाद मेरा दिमाग, मेरा जो ध्यान है, वो कहाँ जाता है? Like when you finish your day's work and you're lying in bed. जैसे कि आप जैसे ही काम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप बिस्तर पे हैं, you're still awake, you haven't slept yet. और अभी तक आप सोए नहीं और जागे हुए हो. What are you thinking about? तो आप क्या सोच रहे हैं? That's where you discover whether your mind is set on the things above. हाँ, तब आप जान जाएंगे, वहीं पे आप खोज कर सकते हैं कि आपका ध्यान कहाँ पर है. I'm not saying we should not think about the future or tomorrow or that's not my meaning. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इसका भविष्य के हमें योजना नहीं बनाना है या कल के बारे में सोचना नहीं है. Maybe you got to prepare your children for school tomorrow. Many many things. That's right. हाँ, कल आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, वो सब आपको सोचना है. Or some work you have to plan for tomorrow. Good. और कल के लिए कोई काम है, उसके योजना बनाना है. But when you're free from all that, और उसके बाद सब मुक्त हो जाते हैं. Does your rubber band spring back to things above? तो जैसे ही ये कामों से आप मुक्त हो जाते हैं, क्या आपका दिमाग एकदम से स्वर्गीय बातों में चली जाती है या नहीं? That is a perfectly balanced Christian. और यही है एक संतुलित मसीह जीवन. And all the time when he's working here, his rubber band is still tied up here. जब आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं धरती पे, लेकिन आपका रबर बैंड जो है यहीं पे ऊपर टंगा हुआ है. Even his earthly work, he's doing with a heavenly mind. और जब आप धरती के कोई भी कार्य करते हैं तो स्वर्गीय दिमाग के साथ. That means I will never cheat. इसका मतलब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा. I will never be rude to people. और दूसरों से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा. So though I work on earthly things, I don't work like other people. और जब मैं धरती पे कार्य करूंगा तो मैं दूसरे लोगों के समान कार्य नहीं करूंगा. I've got a heavenly mind. हाँ, क्योंकि उस समय मेरा जो है स्वर्गीय एक दिमाग है. और मैं वफादार रहूंगा. And I am loving. और मैं प्रेम करूंगा. Not arrogant towards people. और दूसरों के प्रति एकदम जो है not proud or नहीं, और या फिर घमंड से नहीं. But another type of Christian. और दूसरे प्रकार के मसीह लोग हैं. Which is how most are. और हम में से ज्यादातर. Their rubber band is tied down here to the things of earth. और उनका जो रबर बैंड है वो धरती के पृथ्वी की बातों से बंधा हुआ है. They'll stretch it for about 2 hours on Sunday. तो इतवार के दिन 2 घंटे के लिए वो ऊपर की ओर खींच के ऊपर sing wonderful things to God. और वो अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के प्रति बोलेंगे. You know, fantastic things. अच्छी अच्छी बातें. All to Jesus I surrender. कि हे प्रभु, मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ. Take my silver and my gold, not one cent will I withhold for myself. कि सारा सोना चांदी उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रख छोड़ूंगा. You listen to them singing and you think they're the most spiritual people in the whole world. उनके गाना अगर जो सुनेंगे तो हमें लगेगा कि संसार में सबसे अधिक आत्मिक व्यक्ति वही है. It's only for 2 hours. केवल 2 घंटे के लिए. And once that's over. और जैसे वो खत्म हो जाए. Back to the things of earth. The rubber band is tied over here, you see. हाँ, वो रबर बैंड धरती पे बंधा हुआ है, इसलिए एकदम से वो जो है धरती पे आ जाएगा. This is the difference between Abel and Cain. और यही भिन्नता है हाबिल और केन. This is the difference between Jerusalem and Babylon. और बैबिलोन और यरूशलेम में भिन्नता and यही है. You can decide where you are. आप निर्णय ले सकते हैं आप कहाँ पर हैं. You know whether God is just something you have to have because you want to go to heaven. हाँ, आप क्या ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जरूरी है क्योंकि आपको स्वर्ग में जाना है? Or where he is the one you love with all your heart. या फिर आप उसको पूरे हृदय से उससे प्यार करते हैं? God doesn't want an offering of people who love him half-heartedly. परमेश्वर उस भेंट को नहीं स्वीकार करता जो लोग उसे आधे अधूरे मन से प्रेम करते हैं. I mean, would you choose a wife who on the wedding day says, Well, I'll spend most of my time with you, but not all the time. क्या आप ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे जो ऐसा कहते हैं कि हाँ, ज्यादातर समय मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी, लेकिन हर समय नहीं? I've got some other men friends who I'll visit for some nights. I like to spend with them as well. हाँ, मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं, कुछ रात मैं उनके साथ भी बिताऊंगी. And you bargain with her. और उसके बाद आप उससे मोल तोल कर. How many nights do you want to spend with other men? कि कितने रात आप दूसरे पुरुषों के साथ बिताना चाहते हैं? Say 20 days in a year. एक साल में 20 रातें? No. I say I won't allow that. नहीं, मैं उतना अनुमति नहीं दूंगा. I'm a strict husband. मैं बहुत ही strict हूँ. And you bargain and bargain and bargain. She says, okay, allow me to spend 5 days in a year with other men. और भाव तोल करने के बाद वो बोलते हैं, ठीक है, कि केवल साल में 5 रातें. 360 days I'll spend with you. 360 दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी.
No, you finally say, okay, one day in a year I allow you to spend with another man. तो उसके बाद वो बोलते हैं नहीं 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 सिर्फ एक रात मैं दूसरे पुरुष के साथ तुम जा सकते हो. Other days you must be with me. और सब दिन मेरे साथ. Will you accept a wife like that? क्या आप ऐसी स्त्री को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? He says only one day in a year, darling, I want to spend with some other man. वो बोलते हैं कि प्रिया केवल मैं एक ही रात किसी और के साथ बिताना चाहती हूँ, बाकी सब दिन तुम्हारे साथ रहूंगी. You say no. तो आप बोलेंगे नहीं. And you think Jesus is going to accept a bride like that? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक दुल्हन को स्वीकार करेंगे? You think Jesus is some desperate bachelor waiting to marry any girl who will marry? क्या आप लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बैचलर है जो कि क्या कहते हैं एक जीवन साथी के ढूंढ उसके ढूंढ में है? How do you look for a bride? आप किस प्रकार से एक दुल्हन को ढूंढेंगे? You look for some third rate one who will not love you? क्या ऐसे जो ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आपसे प्यार नहीं करते हो, एकदम गिरा हुआ हो? Don't you look for the best? क्या आप सबसे बेहतरीन को नहीं चुनेंगे? Suited for you? बिल्कुल आपके समान हो, बिल्कुल आपके लिए लायक हो? You think Jesus is a worse bridegroom than you? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे भी बेकार दूल्हा है? I'm just trying to show you what a low impression people have of Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग कितना हद तक जो है नीचा सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह। You as a husband will want the best wife. जब एक पति होकर आप अपनी पत्नी को सबसे बेहतरीन पत्नी चुनना चाहते हैं, Jesus will just accept anybody. हाँ, तो आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चुन लेगा. Even if he want someone who wants to fool around with others. हाँ, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ भी घूमते हैं, ऐसे को क्या प्रभु यीशु मसीह चुनेंगे? That's the way of Cain. और यही मार्ग था केन का. That's why God is always looking in every place. I want somebody to shut the door to this type of stuff. We got to start a new church here. इसलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कामों के लिए द्वार को बंद करे और नया आरंभ करना चाहे. That's what we read in Malachi. Why wish you priests would shut the door to people who bring this type of offerings? और इसलिए मलाकी के किताब में लिखा है याजकों को कह रहा है कि तुम उस द्वार को क्यों नहीं बंद कर देते? Supposing one priest in Malachi's time told some fellows, I'm going to shut the door. I won't accept that offering. हाँ, अगर जो मलाके के समय में कोई याजक ऐसे बोले कि मैं ये भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ. And that man looks at the priest. तो वो आदमी घूर कर देखेगा उस याजक को. Do you know who I am? तो बोलेगा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? I am the inspector general of police here. हाँ, मैं पुलिस का जो इंस्पेक्टर जनरल हूँ. Don't try such things with me. हाँ, ऐसा जो है खेल मेरे साथ मत खेलो. And the priest will say, okay, okay, please come bring your offering. तो याजक जो है कांपते हुए बोलेगा हाँ हाँ भेंट लेकर आ जाओ. That is the type of third rate pastors and elders we have today. और इसी प्रकार के जो है गिरे हुए पासवान और अगुए हमारे कलीसिया में. They fear men more than they fear God. वो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य का भय. No wonder we have third-rate churches. इसीलिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो है सस्ते किस्म के जो है कलीसियाएं हैं. Managers in the pulpit instead of prophets. और भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैनेजर्स हैं यहाँ पे पुलपिट पर. That's the tragedy of Christianity. और यही जो है सबसे भयानक. That's why everywhere God is looking for a man. इसीलिए परमेश्वर जो है हर एक जगह एक पुरुष को. You know when the children of Israel were in Babylon. जब इज़राइल के लोग बेबीलोन में थे. There was a prophet in Babylon. और वहाँ पे एक भविष्यवक्ता था बाबिलोन में. It was good of God that even in Babylon he sent them a prophet. His name was Ezekiel. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाबिलोन में भी उसने एक भविष्यवक्ता को भेजा. उसका नाम है Ezekiel. And the in Ezekiel chapter 22. उसके 22 Ezekiel 22 में देखते हैं. He is describing there the sad condition of three categories of people. वहाँ पे तीन किस्म के दुखी लोगों के बारे में लिखा हुआ है. God tells Ezekiel in Ezekiel 22. Ezekiel नबी की किताब 22वां अध्याय verse 24. उसका 24वां वचन. Tell Israel you're a land that is not cleansed. और 24. हे मनुष्य के संतान उस देश से कहे तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ. Okay. Your verse 26 your priests are like this. और 26 में लिखा है उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया. Your princes are like this, verse 27. और 27 में लिखा है कि तुम्हारे जो राजकुमार है वो भी इसी प्रकार के हैं. And 28, your prophets are like this. और 28 में कहते हैं कि तुम्हारे भविष्यद्वक्ता भी इसी प्रकार के हैं. Verse 28, they just put whitewash over a broken wall and say it's okay. और वो जो है टूटी हुई दीवार को जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये ठीक है. So the priests, the princes and the prophets. इसका मतलब भविष्यवक्ता प्रधान और वहां के याजक. All. सब. All backslidden, corrupting, accepting any type of offering. और सब के सब भ्रष्ट हैं और किसी भी प्रकार के भेंट को वो स्वीकार कर लेते हैं. And in the midst of all this. और इन सब के बीच में. Verse 30.
30 में आई सर्च्ड फॉर वन मैन और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा हु विल स्टैंड फॉर मी जो मेरे लिए खड़ा हो बट आई फाउंड नोबडी लेकिन मैंने किसी को ना पाया दैट इज व्हाई आई सेंट दीस पीपल इनटू कैप्टिविटी एंड पुट माय जजमेंट ऑन देम इसीलिए इन लोगों को जो है गुलामी में भेज दिया जाए और उनके ऊपर मेरा न्याय हो आई वांट टू से टू यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों मैं बताना चाहता हूं सो टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे आज संसार भर में गॉड इज लुकिंग फॉर वन मैन आज परमेश्वर एक पुरुष को ढूंढ रहा है एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है वन वुमन एक स्त्री को ढूंढ रहा है यंग पीपल जवानों को ढूंढ रहा है फ्रॉम देयर यूथ विल स्टैंड फॉर गॉड जो अपनी जवानी में परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए Who will not bend? जो झुकते नहीं. Who will not compromise? और जो है compromise नहीं करते हैं. Who will stand for the truth, whatever the cost? और चाहे कुछ भी हानि उठाना पड़े, वो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं. The Lord wanted the Israelites to walk like that. और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग वैसे ही चलें. He wanted them to be upright. और परमेश्वर चाहता था कि वो बिल्कुल सीधे, खड़े हों.